बैक एवरीवन, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, पहले एक बिजनेस ओवरव्यू लेते हैं। एसबीआई कार्ड्स बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स इश्यू करती है, एंड अगर आज आप देखेंगे इंडिया के अंदर जिस तरीके से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है एंड जिस तरीके से जो नई जनरेशन है उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कि दैट दे शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड, एंड क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा होते हैं अगर आप उसको टाइमली यूज करें एंड अगर आप उसे डेबिट कार्ड से कंपेयर करें। देखिए, जो बिजनेस इन लोग के पास में है, जो ये लोग मेन बिजनेस बनाते हैं, ये उस हिसाब से बनाते हैं कि काफी सारे सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जो है थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड चाहिए होता है, जिसकी वजह से कंपनीज जो है यहाँ पे पैसा बनाती है। बट अगर आप टाइमली पे करते हैं तो सिर्फ एक एनुअल चार्ज आता है, वो भी वेव ऑफ रहता है मैक्सिमम केसेस में, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। एंड बट इंडिया एज अ मार्केट के अंदर क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी है। यहाँ पे रेवेन्यू नंबर जून 2022 में 3100 करोड़ की देखने को मिले थे, जो कि जून 2023 में बढ़ के 3900 करोड़ तक देखने को मिले। हमें लगता है कोविड के बाद में अब जैसे जैसे चीजें और ज्यादा सेटल होती जा रही हैं, तो उसके बाद में और ज्यादा ईज होगा। ऑल द फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो 23% से कम होकर 18% तक गया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा सा हैम्पर हुआ है, 627 करोड़ से कम होकर 593 करोड़ तक गया। बट देखो, यहाँ पे इस बिजनेस को सक्सीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा है एंड क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं जिसकी वजह से यूजर आपके पास में शिफ्ट हो, तो उसकी वजह से अभी लगता है हमें, देखिए कंपनी ग्रोथ स्टेज पर है, वो एक अच्छी चीज है, एंड ग्रोथ स्टेज पे जो नेट प्रॉफिट फिगर्स हैं वो थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं। हमें लगता है ये आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ये स्टेबलाइज होते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट टू क्वार्टर के रिजल्ट्स देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एंजल वन पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, वहां स्टॉक्स बाय करना है कितना आसान। प्लीज इस स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस ओनली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे एंजल वन के ऐप पर एंड हम लोग सर्च करेंगे एचडीएफसी बैंक को। इसके बाद में हमारे पास में डेटा आएगा एचडीएफसी बैंक का एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे बाय पे। बाय पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने लिए एक बेटर प्राइस थ्रू लिमिट ऑर्डर एंड हम लोग बाय की बिड लगाकर यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो, एंड फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।